स्टूडेंट, यहाँ पर क्लास सिक्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, ड्रॉ अ रे बाइसेक्ट द एंगल। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पर स्केल लें और सबसे पहले बेटा आपको एक लाइन खींचना है। उस लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस यहाँ पर गिवन नहीं है, तो आप किसी भी मेजरमेंट का एक यहाँ पर ड्रॉ कर लें। ठीक, बहुत क्लियर सी बात। अब इस पर आपको क्या करना है, ये जो प्रोटेक्टर का ये पॉइंट होता है ना, यहाँ रख दो और जो प्रोटेक्टर पे लाइन बना होता है लाइन के ऊपर आ जाए। पहले ये आप निश्चित कर लें कि ऐसा हुआ, ये हो गया। अब आपको 50 डिग्री, देखिए 50 डिग्री ये वाला एंगल आ रहा है, आप यहाँ पर रख करके या तो पॉइंट रख दें या तो आप अपना पेंसिल वहीं रखे रखे ही आप अपने प्रोटेक्टर को दोबारा सेट कर लें। ये एंगल बेटे हो गया 50 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, इसी के मेज़र का एक एंगल बनाना है और उसको बाइसेक्ट करना है। ड्रा एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, तो आपने 50 डिग्री बना लिया और विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, और आपने प्रोटेक्टर की मदद से इसको आपने 50 डिग्री का एक एंगल बना दिया यहाँ पर। अब इसका जो परपेंडिक्यूलर, सॉरी, ड्रा अ रे बाइसेक्टिंग दिस एंगल, इस एंगल को आधा आधा डिवाइड करने वाला मुझे एक बाइसेक्टर रे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर सबसे इजी वर्क है, ये अपने कंपास की मदद से आप एक आर्क लगा लो। इस आर्क पर यहाँ पर एक कट हो रहा है, एक यहाँ लगा दीजिए और एक यहाँ लगा लीजिए। मैं मान के चलूँ कि हमारे ये एंगल ए बी सी है, तो मैं इस आर्क के कट को पी मान लूँ, उसको मैं क्यू मान लूँ, और यहाँ से जहाँ ये पॉइंट गया हुआ है बेटा, इस आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट से आप एक एस तरह से खींच लें और इसका नाम भी आप ए बी रखे, उसका नाम आप सी रख दो। यहाँ पर एक नाम आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे इसको आर रख दे रहा हूँ। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने किया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इस टाइप से होगा। इसके स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, तो स्टेप्स आप कंस्ट्रक्शन आप देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग चेक कर लो, इसे पढ़ो और इसके द्वारा आप अपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को करो। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंस्ट्रक्ट एंगल ए ओ बी ऑफ 85 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, ड्रा अ रे ओ एक्स बाइसेक्टिंग ए ओ बी। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे ए ओ बी बनाना है, केवल मुझे एंगल का मेज़र दिया है, किसी साइड का मेज़र नहीं दिया है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर किसी भी मेज़रमेंट की एक लाइन को ड्रा कर लेना है। क्लियर हो गया इतना। अब आप प्रोटेक्टर को लें, पहले वाले क्वेश्चन की तरह से पॉइंट पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा और लाइन लाइन के ऊपर इस तरह से आप रख कर पहले अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाई कर लो कि आपका लाइन लाइन से और ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक, अब 80 डिग्री हमारे पास ये है और 85 हमारे पास यहाँ आ रहा है। यहाँ पर मैंने अपने पेन को रखे हुए, आपका पेंसिल होगा, यहाँ से इसे आप मिला लें। ठीक, अब ये हो गया पॉइंट ए, यहाँ हो गया बी, ए हो गया और ओ, और ये हो गया यहाँ पर बी। अब इसका कैसे करेंगे, तो ठीक आप कंपास ही उठाइए। ठीक, और अगर आप केवल प्रोटेक्टर से ड्रा करना चाहते हो तो आप 85 को पहले यहाँ पे 2, 2 4 जा 8, कैंसिल 5, 2 2 जा 4, 1 पे पॉइंट लेकर के 0, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर 42.5 डिग्री का आएगा। अब लेकिन 42.5 हमें इस पर मेज़र करना, हमारे तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको हो सकता है दिक्कत आए। तो मैं सबसे आपको ज़्यादा एडवाइस यही करूँगा कि आप यहाँ पर कंपास रख लें। कंपास की हेल्प से
आप यहाँ पर एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर लें, क्लियर हो गया बेटा? और एक पॉइंट यहाँ रखें, एक यहाँ लगा दें, और इस पर रख करके एक ये पॉइंट हो गया। जहाँ ये जा रहा है इससे आप इसको बाइसेक्ट कर दें, इससे आप बाइसेक्ट कर लीजिए। अब ये आ गया 42.5 डिग्री। फिर से देख लें, आपके पास 42.5। अब ये जो 42.5 मैंने नापा है ना, ये देखो आप यहाँ पे मेज़र करके देखो, बिल्कुल एग्जैक्ट 42.5 आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को, यहाँ पर ये ओ है तो ये मैं कहूँगा कि ये ओ एक्स बोल रहा है, तो यहाँ पर एक्स रख देंगे। बाइसेक्टिंग, तो इस लाइन को ये बाइसेक्ट कर रहा है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ से आप रीड करें, क्या जैसे मैंने किया है वैसे ही यहाँ पर ये है। इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।